हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिटफिल्म एक्सप्रेस के सारे बेसिक फीचर्स। अगर मैं हिटफिल्म एक्सप्रेस को और भी बहुत सारे कुछ पॉपुलर वीडियो एडिटर्स के साथ कंपेयर करूं, लाइक वेगस प्रो या पावर डायरेक्टर या फिल्मोरा के साथ, तो उनके मुकाबले हिटफिल्म एक्सप्रेस एक बहुत ही फीचर रिच और पावरफुल एडिटर है। अगर आप मेरी माने तो हिटफिल्म एक्सप्रेस एडोबे प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स को भी कड़ा टक्कर दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे हम हिटफिल्म एक्सप्रेस के अंदर मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर कैसे हम हिटफिल्म एक्सप्रेस के वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं और भी बहुत सारे फीचर्स को कवर करूँगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिटफिल्म के ओपनिंग स्क्रीन से। अगर आप हिटफिल्म एक्सप्रेस को ओपन करें तो आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलेगा। वहाँ पे आप इस न्यू बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक पहला आपका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी 720p 25fps का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट एडिटिंग पे। यहाँ पे आपको एक कॉम्पोजिट शॉट का भी ऑप्शन मिलता है, उसके बारे में मैं कुछ देर बाद आपको बताऊँगा। तो हमारा ये वर्किंग विंडो ओपन हो चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम हिटफिल्म ओपन कर रहे हैं तो शायद आपका वर्किंग विंडो ऐसा ना दिखता हो, शायद आपका वर्किंग विंडो ऐसा लगता होगा, कुछ डेट ऐसा लगता होगा। तो मैं अभी इस विंडो में ही आपको सब बताने वाला हूँ। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि कैसे मीडिया इंपोर्ट करते हैं। तो मीडिया इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट बटन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और एक विंडो ओपन हो जाएगा ऐसा। यहाँ से आप अपने नेसेसरी फाइल को सिलेक्ट कीजिए, लाइक मैं इस वीडियो को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो म्यूज़िक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए। तो मेरा ये वीडियो फाइल इंपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद इस टाइमलाइन को कहते हैं फाइल प्रीव्यू टाइमलाइन, क्योंकि अगर आप किसी भी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो इस टाइमलाइन में प्रीव्यू होगा। यहाँ से आप किसी भी फाइल को ट्रिम कर सकते हैं टाइमलाइन पे ऐड करने से पहले। लाइक मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंपोर्ट करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने यहाँ पे एक इन पॉइंट सेलेक्ट किया इस बटन पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं एक आउट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा इस बटन पे क्लिक करके। आप आई और ओ बटन का यूज़ करके भी ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक क्लिप को ट्रिम कर लिया है और मैं यहाँ से उसको टाइमलाइन पे भेज सकता हूँ। तो मैंने इस क्लिप को टाइमलाइन पे भेज दिया है। और अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो आप यहाँ से प्रीव्यू मोड को नन कर सकते हैं, इससे आपका एडिटिंग का स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इस वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट कैसे ऐड करें। तो अगर आप हिटफिल्म में नए हैं तो आपको कहीं भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो पहले आपको एक कॉम्पोजिट शॉट बनाना पड़ेगा। कॉम्पोजिट शॉट बनाने के लिए आप यहाँ न्यू आइकॉन पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक कीजिए कॉम्पोजिट शॉट। यहाँ पे आप उस कॉम्पोजिट शॉट का कुछ नाम दे दीजिए, लाइक मैं यहाँ देता हूँ टेक्स्ट। और यहाँ पे कुछ टाइमिंग आप दे सकते हैं कि कॉम्पोजिट शॉट कितने देर तक चलेगा। तो मैं इस टाइमिंग को चेंज करके कर देता हूँ 6 सेकेंड। यहाँ पे उस कॉम्पोजिट शॉट का हाइट एंड विथ भी बदल सकते हैं, फ्रेम रेट भी बदल सकते हैं। देन क्लिक कर दीजिए ओके के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्पोजिट शॉट क्रिएट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आप देखेंगे कि कॉम्पोजिट शॉट का एक अलग सा टाइमलाइन ओपन हो चुका है। और यहाँ पे है हमारा एडिटर का टाइमलाइन और यहाँ पे है ये कॉम्पोजिट शॉट का टाइमलाइन। तो मैं थोड़ा इस ये प्रीव्यू का विंडो, मतलब कि सारे कंट्रोल्स का विंडो का साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इससे मुझे हेल्प होता है एडिट करने में। तो चलिए यहाँ पे आपको एक लेयर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा न्यू लेयर का। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट ऑप्शन पे।
और क्लिक कर दीजिए ओके बटन पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर विंडो ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इस टेक्स्ट को हम कैसे कस्टमाइज़ करें, लाइक कैसे इसका हम फॉन्ट चेंज करें या साइज़ चेंज करें। तो पहले भी इस टेक्स्ट को कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए पहले इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए या ऐसा, फिर चले जाइए इस टेक्स्ट ऑप्शन पे। इस टेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक मैं यह फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक कस्टम फॉन्ट दे देता हूँ, ये मेरा फॉन्ट बदल गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट सेंटर पे हो, तो मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ और भी बहुत सारा कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आपका टेक्स्ट बाई चांस आपका साइज़ में ना आट रहा हो, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रैंडम का एम नीचे आ गया है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर के ठीक नीचे यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर ऑप्शन मिलेगा, इसको ड्रैग करके आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट ऐड। अब हमें इस टेक्स्ट को हमारे टाइमलाइन पे ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए चले जाइए इस मीडिया पैनल पे और इस टेक्स्ट कंपोजिट शॉट को क्लोज कर दीजिए। और मैं थोड़ा इस टाइमलाइन का प्रीव्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट कंपोजिट शॉट मिल दिख रहा है उसको ड्रैग करके इसके ऊपर डाल दीजिए। तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अगर मैं अब यहाँ पे चला जाऊँ तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस टेक्स्ट का पोजीशन भी आप बदल सकते हो, ऐसे ऐसे आप जहाँ चाहे इसको रख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी अभी एक वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस टेक्स्ट के जगह एक फ़ोटो लगाते हैं एक वीडियो के ऊपर। तो उसके लिए मैं अभी ये टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक डिलीट ऑप्शन का मिलेगा राइट क्लिक करने के बाद, मैंने ये डिलीट कर दिया। और यहाँ से मैं एक फ़ोटो इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो मैं शायद यहाँ से इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लूँगा। ये एक हिटफिल्म का लोगो है, तो मैंने इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया। तो मैं अब इस फ़ोटो को ड्रैग करके टाइमलाइन पे भेज देता हूँ। तो मैंने इस फ़ोटो को टाइमलाइन पे भी भेज दिया। नाउ ये फ़ोटो तो यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो कॉर्नर पे चला जाए ऐसे, और फिर मैं चाहता हूँ इस फ़ोटो को कुछ छोटा कर दिया जाए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इस फ़ोटो का साइज़ भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहे कि इस फ़ोटो का हाइट एंड विड्थ एक सर्टेन रेशियो पे रहे, तो शिफ्ट दबा के भी आप ये कर सकते हैं। अभी मैं शिफ्ट को प्रेस करके ये कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये फ़ोटो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसका हाइट एंड विड्थ रेशियो सेम रह रहा है। तो मैं इसका साइज़ बदल देता हूँ थोड़ा, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको आप प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इस वीडियो के ऊपर कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो मैं इस फ़ोटो को पहले डिलीट कर देता हूँ और फिर इस वीडियो के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। अगर आप इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, लाइक इसका ब्लेंड मोड आप बदल सकते हो, मतलब कि अगर इस वीडियो के ऊपर एक और फोटो या वीडियो डालते हो तो वो कैसे इस वीडियो के साथ ब्लेंड होगा वो आप बदल सकते हो यहाँ से। ये सब मैं इसके बाद के वीडियो में बताऊँगा। आप इस वीडियो का टाइम बदल सकते हो यहाँ से ड्यूरेशन ऑप्शन पर जाके। अगर मैं इसका स्पीड 50% कर देता हूँ तो ये वीडियो थोड़ा स्लो चलेगा, मतलब कि अगर मैं यहाँ से अब प्ले करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि ये वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को
टाइमलेस में भी चला सकता हूँ, तो उसको करने के लिए स्पीड और ड्यूरेशन पे जाके मैं इसका स्पीड बढ़ा के कर देता हूँ 200%, तो ये वीडियो 2x स्पीड में प्ले होगा लाइक ऐसे। तो ये थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है इसलिए। तो अभी हम करेंगे इस वीडियो के ऊपर एक कलर ग्रेड। तो वो करने से पहले मैं इस मैंने जो भी उसका स्पीड का चेंज किया है इस वीडियो के ऊपर वो मैं फिर रीसेट कर देना चाहता हूँ। तो आप कोई भी स्टेप को अंडू करने के लिए जस्ट क्लिक कीजिए कंट्रोल एंड सेट और वो प्रोसेस अंडू होता रहेगा। तो मैंने वो अंडू कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट डालने के लिए चले जाइए इस इफ़ेक्ट्स पैनल के ऊपर और यहाँ पे आपको बहुत सारा इफ़ेक्ट्स मिल जाएगा। ये कलर करेक्शन का है, मैं अभी आपको कलर करेक्शन दिखाना जा रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो का ब्राइटनेस थोड़ा गिराना चाहता हूँ, तो मैं इस ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को पकड़ के इस वीडियो के टाइमलाइन पे डाल दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे इस कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ पे एक इफेक्ट स्टेप के अंदर ये ब्राइटनेस एंड कंट्रोल ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस ब्राइट वीडियो के ब्राइटनेस को थोड़ा घटा सकता हूँ ऐसे, चाहूँ तो मैं कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा सकता हूँ ऐसे। अगर आप चाहें कि इस इफ़ेक्ट्स को मैं कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर दूं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इस टिक मार्क के ऊपर और ये इफ़ेक्ट डिसेबल हो जाएगा। अगर आप दो वीडियो है समझिए, यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर देता हूँ, तो वीडियो स्प्लिट करने के लिए कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और सॉरी यहाँ से स्प्लिट नहीं होता, पहले आपको ये यहाँ पे एक मिलेगा आपको एक ब्लेड का बटन स्लाइस टूल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपके मनपसंद जगह पे जाके क्लिक कर दीजिए एक बार और वो वीडियो वहाँ से दो पीसों में बट जाएगा। अगर अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो के दो जो पीस है उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स डाला जाए, मतलब कि एक वीडियो से और एक वीडियो में जाने के टाइम कुछ अच्छा सा इफ़ेक्ट्स हो, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो करने के लिए यहाँ पे हिटफिल्म के अंदर आपको बहुत सारा ट्रांजिशन इफेक्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो ट्रांजिशन में जाइए और मैं इस फेड टू कलर को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं इस इफ़ेक्ट्स को इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब आप अगर देखेंगे तो आपको एक सुंदर ट्रांजिशन मिल जाएगा। यहाँ पे और भी ट्रांजिशन है बहुत सारा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हम देखेंगे कि वीडियो का कलर कैसे आप इस वीडियो के ऊपर लट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिटफिल्म एक्सप्रेस में आप कस्टम डाउनलोडेड लट नहीं यूज़ कर सकते। आपको कस्टम डाउनलोडेड लट अगर यूज़ करना हो तो आपको हिटफिल्म प्रो ख़रीदना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो आप खुद का लट बना सकते हो इस यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके, लाइक मैं अभी ये डे फॉर नाइट कलर ग्रेड यूज़ करने जा रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर, ये पहला क्लिपिंग्स के ऊपर। आप देखेंगे ये कैसा लग रहा है। अगर आप चाहे तो इस डे फॉर नाइट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ऐसे। और भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब मैं इस टाइमलाइन के इस टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ये माउस बटन, यहाँ से आप कुछ फाइल को यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका टाइमलाइन पे बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा लेयर्स है, बहुत सारा वीडियो या ऑडियो लेयर्स है, तो आप इस बटन पे क्लिक करके उसको छोटा मतलब कि एक टाइमलाइन से और एक टाइमलाइन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे और जो फीचर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ये लास्ट वाला फीचर रेड स्ट्रेच टूल। इसे यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से एक वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप ये कर सकते हैं, तो चलिए हम पहले इस वीडियो को स्लो करते हैं। आप यहाँ पे एक माउस पॉइंटर को लेके जाइए, ये ब्लू कर्ली ब्रैकेट जैसा हो जाएगा, आप इसे ऐसे छोटा कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट प्ले हो रहा है। लाइक मैंने जब ड्यूरेशन बदला था इस वीडियो का जैसे हुआ था ठीक वैसे, तो आप वैसे ही इस वीडियो का स्पीड बढ़ा भी सकते हैं इसको ड्रैग करके बढ़ाते हुए।
और उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपका वीडियो ये एक्सपोर्ट का पेज पे चला जाएगा। मैं एक्सपोर्ट पे कुछ देर बाद आता हूँ, उसके पहले मैं लास्ट ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो ये है लास्ट ऑप्शन है ये स्नैपिंग टूल, मतलब कि अगर आप देखेंगे कि मैं इस वीडियो को थोड़ा दूर प्लेस करना चाहता हूँ, आप ये देख रहे हैं कि मैं वहाँ पे इस वीडियो को प्लेस नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि ये दो गैप के बीच में मैं ये वीडियो को प्लेस करूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि अगर जब भी मैं इस वीडियो को उसके पास ले जा रहा हूँ वो मैग्नेट की तरह एक साथ चिपक जा रहा है। तो वो अच्छा है लेकिन कुछ टाइम वो प्रॉब्लमेटिक भी है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो तो इस मैग्नेट को डिसेबल कर दीजिए, अब आप जहाँ भी चाहे इसको रख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का ओपेसिटी थोड़ा घटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ये बॉर्डर मिलेगा, अगर आप इसको खींचे नीचे तो इसका ओपेसिटी भी बदलता जाएगा। आप ऐसे ही साउंड का वॉल्यूम भी कमा या बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। और अगर आप हम इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा वो है, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं उसको दिखाता हूँ अभी। तो इस वीडियो के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, फिर चले जाइए कंट्रोल्स टैब पे, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इस ट्रांसफॉर्म के द्वारा आप इस वीडियो को जूम भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं इस वीडियो का स्केल ऐसे बढ़ा दूँ तो ये देख रहे हैं कि आप जूम हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ तो इस वीडियो को रोटेट भी कर सकता हूँ ऐसे, ओपेसिटी भी घटा या बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप मैं कुछ इफ़ेक्ट डालता हूँ तो वो मैं इफ़ेक्ट का भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका कुछ भी मीडिया का मैनिपुलेशन करना हो तो उस मीडिया को सिलेक्ट कीजिए, देन चले जाइए ये कंट्रोल्स टैब पे ऊपर, वहाँ पे आप वीडियो का सारा कंट्रोल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप की फ्रेम भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा क्योंकि की फ्रेम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अभी के लिए इतना ही, चले जाते हैं एक्सपोर्ट टैब पे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ये इस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो चला जाएगा एक्सपोर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रीसेट मिल जाएगा जो हिटफिल्म के भीतर ही था। अगर आपका खुद का प्रीसेट बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू प्रीसेट के ऊपर, देन क्लिक कीजिए आपका फॉर्मेट AVI या MP4। MP4 एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट है जो बहुत लोग वही MP4 फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं, मैं खुद भी ही MP4 फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। और ये है एक अनकॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट AVI, मैं यहाँ पे MP4 ही सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि AVI फॉर्मेट का वीडियो बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है। तो यहाँ पे आप चेंज करते हैं इस वीडियो का रेजोल्यूशन ऐसे, और ये आप मैनुअल भी एडिट कर सकते हैं, लाइक मैं अभी करने वाला हूँ 720 ऐसे। तो यहाँ पे आपका वीडियो का बीट रेट भी बदल सकते हैं, लाइक ऐसे आप मैं 30 MBPS में वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका बीट रेट बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, मैक्स बीट रेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप ये वेरिएबल बीट रेट सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेगा, टारगेट बीट रेट और मैक्स बीट रेट। अगर आप कॉन्स्टेंट बीट रेट सिलेक्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बोलूँगा कि वेरिएबल बीट रेट सिलेक्ट कीजिए क्योंकि इससे वीडियो का क्वालिटी अच्छा आता है और आपका साइज़ भी कम होता है। तो नीचे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप नहीं चाहे कि ऑडियो एक्सपोर्ट हो तो आप यहाँ से ऑडियो डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑडियो का बिट रेट मिल जाएगा, ज़्यादातर लोग 190 या 320 में ही करते हैं, मैं 190 पे करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और अगर आपका ऐसे है कुछ और ट्यूटोरियल चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना, मैं उस ट्यूटोरियल को देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, वीडियो के एक्सपोर्ट करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे मैं न्यू प्रीसेट नाम का ये वीडियो में प्रीसेट बना चुका हूँ, अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए ऐसे। आप अब नीचे चले जाइए तो अब यहाँ पे एक स्टार्ट एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा।